आज हम यहाँ पहुंचे हैं, कल दिल्ली के लाखों लोग पहुंचेंगे। दिल्ली के हक का पानी रिलीज करो, दिल्ली के अधिकार का पानी आने दो। इस समय दिल्ली के लोगों बहुत ज्यादा क्राइसिस में है, दिल्ली के लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा। इलेक्शन के 3-4 दिन पहले पानी बंद कर दिया गया था ताकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को वोट न दे, उनको बदनाम करने के लिए किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप 20% पानी जो हिमाचल से आना है, हरियाणा से आना है, आप उसको रिलीज करें। आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर अब संग्राम सड़कों पर देखने को मिल रहा है और अभी के समय आम आदमी पार्टी हरियाणा भवन का घेराव करने के लिए तैयारी कर रही है। और हमारे साथ कुलदीप हैं, विधायक हैं। आप लोग आज सड़कों पर उतर रहे हैं पानी को लेकर, बीजेपी कहते हैं कि आप लोग पानी की व्यवस्था ठीक नहीं करवाते। भाजपा की सरकार गंदी राजनीति कर रही है, वो हरियाणा के माध्यम से दिल्ली के लोगों से बदला ले रही है, दिल्ली के लोगों के हक और अधिकार के पानी को रोकने का काम कर रही है। आज जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमें दिल्ली वालों को पानी पिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उस आदेश का भी उल्लंघन आज हरियाणा सरकार कर रही है। 130 क्यूसिक पानी जो दिल्ली आना था हिमाचल से, उसको रोकने का काम हरियाणा सरकार ने किया और 200 क्यूसिक पानी जो मुनक नहर से आता था उसको भी रोक दिया गया है। ये दिल्ली वालों को प्यासा मारना चाहते हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं। आज हम यहां पहुंचे हैं, कल दिल्ली के लाखों लोग पहुंचेंगे। दिल्ली के हक का पानी रिलीज करो, दिल्ली के अधिकार का पानी आने दो। बिल्कुल, तो दिल्ली के हक का पानी रिलीज करो। और आपको दिखा दे प्रदर्शन की तस्वीरें, आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां मंडी हाउस गोल चक्कर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये हरियाणा भवन की तरफ जाना चाहते थे लेकिन पुलिस अभी के समय इन्हें रोकने की यहां कोशिश कर रही है। और आपको बता दें सरिता चौधरी क्या कुछ कहेंगे। सरिता, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस समय दिल्ली के लोगों बहुत ज्यादा क्राइसिस में है, दिल्ली के लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा। इलेक्शन के 3-4 दिन पहले पानी बंद कर दिया गया था ताकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को वोट न दें, उनको बदनाम करने के लिए किया गया था। अब तो चुनाव भी हो गया, अब तो कम से कम राजनीति ना खेलो, दिल्ली की जनता को पानी दो। इस समय लोगों घरों में नहाने की तो बात छोड़ दो, हाथ मुंह धोने की बात तो छोड़ दो, पानी पीने के लिए भी पानी नहीं है। हर गली मोहल्ले सारे जगह से तरह तरह मच रहे हैं, इस तरीके से मनवादी सोच क्यों रख रहे हैं। मोदी जी सब जगह के लिए कर रहे हैं लेकिन दिल्ली वालों के लिए इतने मनवादी सोच क्यों रखे। दिल्ली के लोगों को पानी की जरूरत है, हम उनसे विनती करते हैं। आज हमारा इसीलिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि दिल्ली की जनता को पानी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी अभी तक दिल्ली के लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ प्रदर्शन में जमा है और आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा पानी नहीं छोड़ा जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद ये आदेश आया था कि हिमाचल द्वारा लगभग 137 क्यूसेक जो पानी है वो दिल्ली को दिया जाए वाया वजीराबाद कैनाल। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी के समय ये आरोप लगा रही है कि वो पानी भी इन्हें नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद विधायक हमारे साथ हैं। सर, आप लोग आज फिर पानी को लेकर सड़कों पे हैं, बीजेपी तो ये आरोप लगाती है कि आप लोग पानी की व्यवस्था सही नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप 20% पानी जो हिमाचल से आना है, हरियाणा से आना है, आप उसको रिलीज करें। आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते, आप दिल्ली की जनता का आदेश नहीं मानते। आप चाहते हैं कि दिल्ली प्यासी रह जाए, हम ये बिल्कुल तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, सामने ही हरियाणा भवन है, हम हरियाणा भवन पे जाएंगे, अपनी रिक्वेस्ट अपनी गुहार उनको लगाएंगे, केंद्र सरकार पे जाएंगे और जब तक पानी नहीं मिलेगा दिल्ली के हम यहाँ पर डटे रहेंगे। अब दिल्ली में पूरा देश बसता है, अभी कल मंत्रालय चुना गया, क्या उनके MP को पानी नहीं चाहिए, उनका केंद्रीय मंत्रालय बना, क्या उनको पानी नहीं चाहिए। दिल्ली में सबको पानी देना दिल्ली सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है, उनके हितों में कहीं भी अनदेखी होगी हम सड़कों पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग पूरी मनवा के मानेंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं नेता के आम आदमी पार्टी के, वो मंडी हाउस सर्कल पे अभी के समय जमा हैं और हरियाणा भवन कूच करने की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर केसर के साथ नवीन निशांत, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली।